अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज आर्टिकल्स। एक्चुअली व्हाट इज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, तीन आर्टिकल्स हैं। डिटर्मिनर्स हैं ये ऐसे जो कि नाउन से पहले और कभी कभी एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अ जो होता है वो सिंगुलर नाउन से पहले होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो तो हम अ लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अ रैट, अ यूनिट, अ ज़ाइलोफोन, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है। एंड जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले हो और वोवल साउंड हो, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो और समटाइम्स एच उसमें साइलेंट हो। फॉर एग्जाम्पल एन अडल्ट, एन एक्सरे, एन आयरस, ए जिसमें म्यूट है, ए एंड एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल की दो टाइप्स होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। किसी से जब हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हों या किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हों वहाँ पे यूज़ होता है, और नाउन इन जनरल मतलब के कॉमन नाउन में यूज़ होता है ए और एन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ टेस्ट टुमारो, Red wants to be an empire. The क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है जो कि किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। ए एन एंड द एडजेक्टिव से पहले यूज़ होते हैं जो कि नाउन से पहले आ रहा होता है। नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं ना समटाइम्स, तो उसके साथ भी हम इन तीनों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर स्कूल हैज़ गॉट अ न्यू कैप्टन, द न्यू कैप्टन वॉज इलेक्टेड लास्ट वीक, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए नाउन और एडजेक्टिव के साथ जो है वो यूज़ किया गया है तीनों को। द जो है जब किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को दूसरी दफ़ा एक ही सेंटेंस में बताया गया हो, मेंशन किया गया हो, वहाँ पे यूज़ होता है। वी हैव अ टेस्ट टुमारो, फर्स्ट टाइम पे जो टेस्ट है उसको साथ अ, और दूसरी टाइम पे जब टेस्ट को मेंशन किया है तो द यूज़ हुआ है। द जो है वहाँ पे यूज है जब क्लियरली किसी इंसान, किसी जगह, किसी शख्स और किसी जानवर, किसी चीज़ के साथ जो है हम क्लियरली हम उसको रेफर करें बोलें तो। वी हैड टू ग्लास जार्स, अ रेड वन, एक रेड वन है और एक अम्बर वन है। अम्बर जार बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे जो एक्सपेंसिव है वो अम्बर जार है, इसलिए उसको द यूज़ किया है। जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ हो गई हो वहाँ पे भी, जैसे द मून, द सन, अब मून और सन अपने आप में सिर्फ एक ही हैं। वी यूज़ द व्हेन नेमिंग अ नाउन दैट रेफर्स टू एंटायर ग्रुप ऑफ इट्स काइंड, मतलब कि कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन की बात की गई है। द व्हेल इज़ अ मैमल, अब व्हेल, एक व्हेल को हम व्हेल नहीं कहते ना, ऑर्डिनल नंबर से पहले द यूज़ होता है, इसके साथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव की जो डिग्री यूज़ हो रही होती है सुपरलेटिव उसके साथ यूज़ होते हैं। द सेकेंड ऑर्डिनल नंबर आ गया ना सेकेंड, यू आर द बेस्ट, अब बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। डेफिनेट आर्टिकल्स को हम नहीं यूज़ करते गेम्स के नाम से पहले, द को हम गेम्स के नाम से पहले यूज़ नहीं करते, जैसे द क्रिकेट हम नहीं कह सकते, ओशंस के नेम के साथ यूज़ होता है, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, आर्किटेक्ट ओशन, ठीक है। नेम्स ऑफ रिवर्स एंड सीज, द गंगाज इज अ सेक्रेड रिवर, नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, नेम्स ऑफ ओशंस, नेम ऑफ रिवर्स, ये डेजर्ट है थर्ड डेजर्ट, इसके साथ द यूज़ हुआ है। नेम्स ऑफ लैंडमार्क्स, जैसे फायर स्टेशन, इसके साथ द यूज़ हुआ है। मोन्यूमेंट्स, नेम्स ऑफ मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल इज़ एन एपिटमी ऑफ लव। नेम्स ऑफ नेचुरल वंडर्स, नेचुरल वंडर्स क्या है, नियाग्रा फॉल्स, नेचुरल सीनरी जो है नेचुरल उनके साथ यूज़ हुआ है। नेम्स ऑफ प्लेसेस कंटेनिंग द वर्ड ऑफ, ऑफ फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जिनमें ऑफ यूज़ हो रहा हो ऐसी जगहों में। नेम्स ऑफ प्लेसेस एंडिंग इन प्लूरल एस, प्लूरल एस से ज्वाइंट हो गए, जैसे द ब्रिटिश आइसलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स,
इनके साथ भी द यूज़ होता है. द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ पॉपुलर इंग्लिश न्यूज़पेपर. नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स. द लैंड्स एंड होटल इज नियर द शोर. यहाँ पे होटल का नाम है. डोंट यूज़ द विद द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स. इन प्रॉपर नाउन्स के साथ आप द यूज़ नहीं करेंगे. नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट स्ट्रीट्स एंड मोस्ट कंट्रीज. इनके साथ अब दा यूज़ नहीं करते. लेक्स और माउंटेन्स के साथ दा नहीं होता. डेज मंथ्स और फेस्टिवल्स इनके साथ या द यूज़ नहीं होता. पीपल नेम्स ऑफ पीपल उसके साथ अब दा यूज़ नहीं करते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स